Hey friends, welcome to my channel Angle of Study. Please subscribe my channel and press bell icon for new and important videos and share my video with your friends. नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी YouTube स्टडी चैनल Angle of Study में। आज अपन SSC JEE और RRB JEE का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, मैकेनिकल और सिविल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में ये टॉपिक आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इसका पोर्शन इन एग्जाम्स में, जैसे SSC JEE की अगर अपन बात करें तो इसमें 4 से 5 नंबर का पोर्शन रहता है, ठीक है। और RRB JEE में इस बार काफी पोर्शन दिया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, मैकेनिकल प्लस सिविल। मैकेनिकल में पोर्शन ज्यादा है, ठीक है। तो अपन ये मान के चल रहे काफी नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, क्लियर है। तो आज अपन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और इसमें जितने भी चैप्टर हैं अपने सिलेबस में, RRB JEE के और SSC JEE के सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं उन सबको क्लियर करेंगे। साथ ही साथ एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि ये जो अपन स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट की, ये अपन हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स में करेंगे, तो जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी ये यूजफुल रहेगा। होता क्या है कि कोचिंग, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर 100 मिस्टर तो मेटेरियल पढ़ा दिया जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इसके क्वेश्चन आते हैं, उसको अवॉइड नहीं कर सकते अपन, इसलिए अपन ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जितने भी सारे टॉपिक होंगे वो अपन एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि अपने सिलेबस में इस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आने वाले। तो पहला जो टॉपिक है वो आता है अपने फोर्सेज, या फिर अपन कह सकते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेज, इसको अपन कहते हैं बल। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। सेकंड अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं अपने, जिसको अपन कहते हैं घर्षण, ठीक है। थर्ड जो अपना टॉपिक बनता है वो आता है सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके बाद जो फोर्थ है वो है अपने मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपन कहते हैं गुरुत्व केंद्र, इसको अपन कहते हैं जड़त्व है आघूर्ण, जड़त्व है आघूर्ण, ठीक है। इनके बाद एक टॉपिक आता है फिफ्थ, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कह सकते हैं या लॉज ऑफ मोशन कह सकते हैं। इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे, न्यूटन्स के जो मोशन के इक्वेशंस है वो पढ़ेंगे, उनके कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस बार RRB JEE में उन्होंने कैलकुलेटर अलाउ किया है, तो पूरे पूरे चांस बनते हैं न्यूमेरिकल्स आने के, तो अपन साथ साथ में न्यूमेरिकल्स देखते चलेंगे, ठीक है, लीनियर मोशन, ठीक है। सिक्स्थ जो टॉपिक है अपना वो है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो और भी टॉपिक्स आते हैं अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जैसे ट्रस का आ गया या फिर कोलोजन आ गया, ये सारे टॉपिक अभी अपने सिलेबस में है नहीं, तो अभी अपन नहीं देखेंगे। जो अपना सिलेबस कवर हो जाएगा उसमें अपन उसके बाद देखेंगे सारे टॉपिक्स, क्लियर है ना। तो अपने सिलेबस में ये अभी तक 5 6 ही टॉपिक है, और इन 6 टॉपिकों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, क्लियर है, एक एक करके अपन सबको पढ़ेंगे, बात समझ में आई। अब देखो ये जो प्रोजेक्ट है इसको जानती हो, ये सीधी एक सरल रेखा में जो गति होती है, सीधी रेखा में गति, ये आती है इसकी इक्वेशंस, ठीक है। और ये आती है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो प्रक्षेप मोशन जो होता है, प्रक्षेप गति उसको कहते हैं, क्लियर है। चलो तो आज अपन सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे किसका, फोर्स और सिस्टम ऑफ फोर्सेस का, ठीक है। फिर अपना जो नेक्स्ट होगा उसमें अपन इस फोर्स के अलग और जो पॉइंट्स आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, लॉज आते हैं, वो सब अपन देखेंगे, क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन पहले टॉपिक से। पहला अपना टॉपिक आता है फोर्स, ठीक है, फोर्स जिसको अपन कहते हैं बल, ठीक है। अब देखो फोर्स पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूं, अपने टॉपिक का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब ये मैकेनिक्स क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मैकेनिक्स होता क्या है। देखो जो मैकेनिक्स होता है सीधी सरल भाषा में वो होता है स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्स, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स।
जो मोशन होते हैं वो किसके इफेक्ट होते हैं, फोर्स के इफेक्ट होते हैं। तो दो चीजों की अपन स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में, किस किस की, फोर्स की और मोशन की, जिसको अपन कहते हैं बल और गति। ये चीज समझ गए, बल और गति। ध्यान रखना पूरे सब्जेक्ट में अपन केवल दो ही चीजों पढ़ेंगे, बल और गति। ये जो गति होती है किसके इफेक्ट होता है, ये फोर्स का ही इफेक्ट होता है। क्लियर है ना। फोर्स के और भी कई इफेक्ट होते हैं जो अपन अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। जैसे कि फोर्स का एक इफेक्ट होता है डिफॉर्मेशन, कोई बॉडी का डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो अपन पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है, तो अपन मैकेनिक्स में केवल क्या पढ़ेंगे, फोर्स और इसका जो इफेक्ट मोशन है वो पढ़ेंगे। क्लियर है ना, बात समझ में आई। अब देखो मैकेनिक्स से कई बार इसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लासिफिकेशन कैसा होता है मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्टडी के पर्पज से। पहला आता है स्टैटिक्स, दूसरा आता है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, जैसे कि तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक्स जो होता है वो होता है स्थिर वस्तुओं के लिए। ठीक है, और डायनेमिक्स जो होता है वो गतिमान वस्तु। अगर कोई बॉडी स्थिर है, जैसे ये अपना डस्टर है, वो स्टैटिक रखा हुआ है मेरे हाथ पे, स्टैटिक है। तो अगर इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस की अपन स्टडी करेंगे तो उसको अपन क्या कह देंगे, स्टैटिक्स। अगर ये डस्टर मूव कर रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, और इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस की अपन स्टडी करते हैं, इसके इफेक्ट्स की अपन स्टडी करते हैं, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, डायनेमिक्स। क्लियर है ना, सिंपल। देखो स्थिर वस्तुओं पे, स्थिर वस्तुओं पर किसकी स्टडी करेंगे, वापस बता देता हूं मैं, फोर्स मोशन। ठीक है, नेक्स्ट डायनेमिक्स में क्या हो गया, गतिमान वस्तु। डायनेमिक्स में क्या हो गया, गतिमान वस्तु। क्लियर है ना। अब देखो स्टैटिक्स पर में अपन सिंपली स्टडी कर लेंगे फोर्स ऑफ मोशन की, लेकिन डायनेमिक्स में अपन दो तरह से स्टडी करते हैं। जो अपन मैकेनिक्स पढ़ते हैं या फोर्स और इसके इफेक्ट की स्टडी करते हैं, वो दो तरीके से करते हैं। पहला आता है अपना काइनेटिक्स और दूसरा आता है काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स और काइनेटिक्स, देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि काइनेटिक्स क्या होता है या फिर काइनेमेटिक्स क्या होता है, तो अपन इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। काइनेटिक्स को अपन समझते हैं इस तरह से कि अगर कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है, गतिमान अवस्था में है, तो उस पर लगने वाले फोर्स और उसके इफेक्ट, फोर्स प्लस इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स प्लस इफेक्ट ऑफ फोर्स की अगर स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है इसका, तो इसको अपन कहते हैं काइनेटिक्स। कंबाइन अपन अध्ययन करेंगे फोर्स और इफेक्ट ऑफ फोर्स की। जैसे कि अपन एक एक छोटा सा एग्जांपल देख समझाता है इसको। वर्क जो होता है, वर्क जो होता है क्या होता है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि बल गुणा दूरी। ठीक है, अब जो बल होता है वो क्या होता है, सॉरी बल तो मैंने तुम्हें बताया, बल होता है डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट। मतलब कि अपन इसमें फोर्स भी पढ़ रहे हैं प्लस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस किसका इफेक्ट है, फोर्स का इफेक्ट भी पढ़ रहे हैं, कंबाइन पढ़ रहे हैं ना। क्लियर है। नेक्स्ट जो होता है काइनेटिक्स, इसको समझना बहुत जरूरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमेशा। काइनेमेटिक्स जो होता है वो क्या होता है, ओनली स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसकी स्टडी करेंगे अपन, केवल इफेक्ट ऑफ फोर्स की। अपन कभी भी स्टडी करते टाइम फोर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, या फिर जो अपन मोशन पढ़ रहे हैं उसके रीजंस की स्टडी अपन नहीं करेंगे। रीजन मतलब फोर्स की स्टडी अपन सिंपली है, अपन केवल इफेक्ट ऑफ फोर्स की स्टडी करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी होगी, एक्सीलरेशन हो गया, ये सारे क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स ही तो है। अपन इनकी स्टडी करते टाइम फोर्स को इंक्लूड करके नहीं चलेंगे। जैसे कि अपन न्यूटन की इक्वेशन पढ़ते हैं, न्यूटन की इक्वेशन में कभी भी अपन रीजन ऑफ मोशन नहीं लेते, मतलब फोर्स को इंक्लूड नहीं करते। समझ में आई चीजें। तो ये होता है अपना क्लासिफिकेशन किसका, मैकेनिक्स का। क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछ लेते, वह कौन सी शाखा है विज्ञान की या वह कौन सी ब्रांच है साइंस की जिसमें केवल इफेक्ट ऑफ फोर्स की स्टडी की जाती है, तो अपन को क्या कहना है, काइनेमेटिक्स, ना कि डायनेमिक्स, ना कि स्टैटिक्स, ना कि मैकेनिक्स। क्या आंसर आना चाहिए, काइनेमेटिक्स। क्लियर है ना, ये चीज समझ गई। चलो
इसको इरेज करता हूं मैं। इसके बाद अपन देखते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि एक चीज मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बता देता हूं जिसको अपन कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या होता है इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ये क्या होता है, पहली बात तो एक आइडियल बॉडी, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता यूनिवर्स में। रिजिड का मतलब क्या होता है वो बताता हूं। रिजिड जो होता है वो ऐसी वस्तुएं होती है जिस पर कितना भी फोर्स लगा दो, कितना भी उस पर बल लगा दो, कितना भी उसको ठोका पेटी कर लो, लेकिन उसकी शेप में चेंज नहीं होगा। इस पेन को मैं कितना भी खींच लूं ये टूटेगा नहीं अगर ये रिजिड होगा तो। हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अपन मैकेनिक्स में ऐसा मान के चलते हैं। ऐसी आइडियल बॉडी जिस पर कितना भी फोर्स लगा दो डू नॉट डिफॉर्म फॉर एनी वैल्यू ऑफ फोर्स। क्लियर, समझ में आया रिजिड बॉडी, ये होती है अपनी रिजिड बॉडी। तो अपन मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उनमें जितने भी बॉडीज अज्यूम करेंगे वो सारी की सारी क्या होंगी, रिजिड होंगी। कोई भी बॉडी किसी भी फोर्स के अमाउंट पर डिफॉर्म नहीं होगी। क्लियर है ना, इरेज कर दो इसको। चलो, रिजिड बॉडी को अपन कहते हैं दृढ़ पिंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। बाकी नोट्स की तुम टेंशन मत लो, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूं उन सबके जो नोट्स हैं वो मैं तुम्हें लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, एक पीडीएफ दे दूंगा मैं इन सभी नोट्स की, तो आराम से तुम उनको कॉपी कर लेना या फिर अपने नोटबुक में कैसे भी उतार लेना, पढ़ लेना। ठीक है ना, अभी तुम बोर्ड पे केवल क्या कर लो, समझ लो चीजों। क्लियर है, चलो। हाँ, तो रिजिड बॉडी समझ में आई। अब देखो दो चीजें बताना चाहता हूं मैं मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले या फोर्स स्टार्ट करने से पहले, दो चीजें कौन कौन सी। पहली तो वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी आती है स्केलर क्वांटिटी। देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर को अपन कहते हैं सदिश राशि और स्केलर को अपन कहते हैं अदिश राशि। ज्यादा कोई माइंड पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं बता देता हूं। जो वेक्टर होते हैं उनमें किसी भी राशि को, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए अपन को दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला होता है डायरेक्शन प्लस दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन जिसको अपन कहते हैं दिशा और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड जिसको अपन कहते हैं परिमाण। अरे सिंपली भाई, अपन को किसी चीज को बताने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई मनुष्य 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी दिशा में जा रहा, मतलब नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है, तो अपन को इसकी जो वेग है, इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी को बताने के लिए अपन को क्या क्या बताना पड़ेगा। अपन को दिशा भी बतानी पड़ेगी कौन सी दिशा में जा रहे हैं, और मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा कौन सी मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड से जा रहे हैं। नेक्स्ट जो अपने है वो होती है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। ऐसी राशि जिनकी कोई दिशा नहीं होती, केवल और केवल क्या होता है मैग्नीट्यूड, इनमें दिशा होती है और इनमें दिशा नहीं होती। इसके पास दिशा नहीं होती मतलब क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। देखा होगा जब भी तुम चीनी खरीदने जाते हो, चावल खरीदने जाते हो, क्या कहते हो 5 किलो चावल दे दो या 4 किलो चीनी दे दो, तभी कहते हो क्या उत्तर की दिशा में नॉर्थ साइड में 5 किलो चीनी दे दो, नहीं कहते ना, केवल क्या कहते हो 5 kg, केवल क्या बताते हो, केवल परिमाण बताते हो, दिशा नहीं बताते ना कि भाई नॉर्थ दिशा में दे दो या साउथ दिशा में दे दो, नहीं कहते ना। तो उनको अपन क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, जिनकी दिशाएं नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, मास जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है केजी। तो ये केजी जो होता है ये केवल क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि डेंसिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि टेम्परेचर, कोई डायरेक्शन नहीं होती। देखा होगा कि 45 डिग्री हो रहा है नॉर्थ दिशा में, होता है क्या, नहीं, केवल और केवल क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है। जबकि सदिश राशियों में क्या होता है डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि वेग, वेग किस दिशा में स्पीड है उसकी, ठीक है, जैसे कि त्वरण जिसको अपन कहते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की भी क्या होती है डायरेक्शन, जैसे कि फोर्स,
फोर्स जो होता है बल, बल की क्या होनी चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए। तुमने कोई 5 किलोन्यूटन का फोर्स लगाया, तुम्हें अगला बंदा क्या पूछेगा, भाई इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में लगा रहे तुम? अगर दिशा नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मान नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, सदिश क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, अदिश क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया, ये चीज समझना बहुत जरूरी, क्लियर है ना। चलो एक चीज तो अपन को पता चल गई कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी हो, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स क्या होता है अपना, एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब क्या होती है, इसकी कुछ ना कुछ दिशा होती है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है। तो सबसे पहले अपन को देखना होगा कि फोर्स की डेफिनेशन अपन किस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं तुम्हें समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि फोर्स जो होती है किसी भी बॉडी को, किसी भी वस्तु को खींचने या धकेलने, खींचने या धकेलने के लिए जिस जिस कारक की, जिस क्वांटिटी की अपन को जरूरत पड़ती है, जिस राशि की अपन को जरूरत पड़ती है, उसको अपन क्या कहते हैं, फोर्स या बल कहते हैं। खींचने के लिए, धकेलने के लिए, उठाने के लिए, समझ गए ना, उसको अपन क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो होता है फोर्स का क्लासिफिकेशन, फोर्स का वर्गीकरण, किस किस टाइप के फोर्स होते हैं, किसके बेसिस पे, डायरेक्शन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, डायरेक्शन के बेसिस पे। इसको अपन नया नाम क्या दे सकते हैं, फोर्स सिस्टम, क्या दे सकते हैं, फोर्स सिस्टम। डायरेक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, फोर्स सिस्टम। आज अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फोर्स सिस्टम पढ़ेंगे। देखो फोर्स सिस्टम समझाता हूं मैं तुम्हें, बहुत ही सिंपल मैकेनिस्ट, बहुत सिंपल जो अपने सब्जेक्ट है, और सभी जो सिविल और मैकेनिकल के जो सभी सब्जेक्ट है उनमें लगभग कहीं ना कहीं ये यूज आती है। जैसे कि डायरेक्टली यूज कहाँ आती है, टोस में यूज आती है, अपने सोम में यूज आती है, और एफएम में भी यूज आती है, टोम में तो बहुत ज्यादा यूज आती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है, वरना तो बाकी सब्जेक्ट है उनके कंसेप्ट अपन क्लियर नहीं कर पाए, क्लियर है ना। चलो तो फोर्स सिस्टम देखते हैं अपन। फोर्स सिस्टम किसी वजह से होता है, डायरेक्शन की वजह से, पहले बता देता हूँ। तो फोर्स सिस्टम को जनरली अपन दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन से, पहला होता है कोप्लेनर फोर्स और दूसरा होता है नॉन कोप्लेनर फोर्स। देखो सिंपली कोप्लेनर फोर्स का मतलब क्या होता है, एक ही तल में, क्या होता है, एक ही तल में, प्लेन समझते हो ना, प्लेन तल। अगर सारे फोर्सेस एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है, तो उनको अपन क्या कहते थे, कोप्लेनर कहते थे। जैसे बोर्ड क्या है, एक तल है, अगर सारे के सारे फोर्सेस इसी तल में है तो इसको अपन क्या कह देंगे, कोप्लेनर फोर्सेस। क्लियर है। अगर सारे के सारे फोर्सेस एक ही तल में नहीं हो, मतलब क्या हो, अलग अलग तल, ठीक है, तो उनको अपन क्या कह देंगे, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। जैसे कि सिंपली एग्जांपल से समझो, तुम ये मान लो कोई 5 किलो न्यूटन का एक फोर्स है जो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लगा है, जो एरो है वो डायरेक्शन को नोट करता है, ठीक है, ये फोर्स लगा है, ठीक है। तो ये इस तल में हो गया, बोर्ड के तल में, लेकिन मैं एक और फोर्स, ये इस पेन को देखो, ये पेन वाला जो है, ये पेन की जो आगे का नोक है, ये किसको नोट करता है, फोर्स की डायरेक्शन को, ठीक है, मान लेते हैं। तो इससे अगर मैं किसी फोर्स को डिनोट करूं तो ये फोर्स इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इस फोर्स का प्लेन क्या हो जाएगा, अलग। इस फोर्स का क्या प्लेन हो जाएगा, ये वाला प्लेन, ये वाला जो प्लेन दिख रहा है ना, इमेजिन करो ये वाला जो प्लेन होगा वो इस फोर्स का प्लेन होगा, क्योंकि ये वाला जो प्लेन होगा बोर्ड वाला, इस प्लेन, इस फोर्स का मतलब दोनों के प्लेन क्या हो गए, अलग अलग हो गए, बात समझे, दोनों प्लेन क्या हो गए, अलग, ठीक है। इनको अपन क्या कहते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्स। अभी भी कोई डाउट हो तो एक अपन इमेजिनरी 3D डायग्राम बना के देखते हैं, मान सकते हैं ये कोई है 3D बोर्ड। तो अगर मान लो इस प्लेन पर कोई फोर्स लग रहा है, ये वाला F, और दूसरा फोर्स किस प्लेन पे लग रहा है, इस प्लेन पे, ये F, ये F और ये, दोनों क्या हो गए, अलग अलग प्लेन में हो गए, इनको अपन क्या कह देंगे, नॉन कोप्लेनर फोर्स। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो इनका अपन फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, देखो कैसे कोप्लेनर जो फोर्सेस होते हैं उनको अपन आगे क्लास में कैसे कर सकते हैं। पहला आता है कोप्लेनर फोर्स, दूसरा आता है कोन करंट
फोर्स और तीसरा आता है पैरेलल, ठीक है, कोलिनियर कॉन्करेंट पैरेलल। सिंपल है, कोलिनियर कॉन्करेंट और पैरेलल। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा में अगर कोई दो फोर्स समझो चीजों को, अगर कोई दो फोर्स एक सीधी रेखा पर हो तो उनको अपन क्या कहते हैं, कोलिनियर। जैसे कि ये अपने एक स्ट्रेट लाइन, इस पर एक फोर्स ये लग रहा है F1 और एक फोर्स ये लग रहा है F और एक फोर्स ये लग रहा है F, सारे सारे फोर्स किस पे हैं, एक ही लाइन पे हैं, इनको अपन क्या कहते हैं, कोलिनियर, ठीक है। सेकंड टर्म क्या है, ये दोनों सारे सारे फोर्सेस किस पे हैं, एक ही प्लेन पे है, तो इनको अपन क्या कहेंगे, कोप्लेनर। ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे, कोलिनियर कोप्लेनर। समझ में आई बात, इस तरह से इनको नाम देते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे फोर्स एक ही बिंदु पर आके मिलेंगे, मतलब कॉन्करेंट करेंगे, एक बिंदु पर आके सारे फोर्सेस मिलेंगे या फिर एक बिंदु से सारे फोर्सेस पास होंगे। बात समझ में आई, तो ध्यान देने लायक बात है कि अगर ये तीनों फोर्स एक लाइन पे हैं तो ये कंपलसरी है कि ये तीनों तीनों क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। बात समझ में आई, अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछ ले रहा है किसी एक स्ट्रेट लाइन पर तीन फोर्स लग रहे हैं तो क्या वो कॉन्करेंट होंगे कि नहीं होंगे, तो सीधी सी बात है, एक लाइन पे है तो एक पॉइंट से तो पास होंगे ही होंगे। समझ गए ना, देखो इन एरो को, ये गाड़ियां चलती हुई इस लाइन से पास होंगे कि नहीं होंगे ना, इसका मतलब कॉन्करेंट तो होंगे ही होंगे। अब देखो, हो सकता है फोर्स कोलिनियर ना हो लेकिन फिर भी ये कॉन्करेंट हो सकते हैं। कैसे, मान लो ये अपने कोई पॉइंट है, इस पर एक फोर्स ये लग रहा है F1, एक फोर्स ये लग रहा है F2, एक फोर्स ये लग रहा है F, तीनों तीनों फोर्स क्या हो रहे हैं, इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, अपन क्या कह सकते हैं, कॉन्करेंट कह सकते हैं, लेकिन इनको कोलिनियर नहीं कह सकते क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं। साथ साथ अपन इनको क्या कह सकते हैं, कोप्लेनर कह सकते हैं, मतलब एक ही प्लेन पर एक ही बिंदु से पास हो रहे हैं। इनका नाम क्या हो जाएगा, सभी फोर्सेस का नाम क्या हो जाएगा, इस सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स। कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स, एक ही बिंदु से गुजरने वाले, एक ही तल वाले फोर्स। समझ गए ना, सिंपल चीज है। थर्ड जो आता है वो होता है पैरेलल। अरे सिंपल है, देखो अगर मान लो कोई दो या तीन फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे के समानांतर हो, समानांतर समान अंतर से गुजर रहे हो, उनको अपन क्या कह देंगे, पैरेलल फोर्स F1 F2। अरे सिंपल है कि नहीं है भाई, तीनों तीनों फोर्स क्या है, एक दूसरे पैरेलल, उनको क्या कह दिया, पैरेलल फोर्स। साथ साथ ये क्या है, एक प्लेन में है, तो उनको क्या कह दिया, समझ गए। इस तरह से होते हैं फोर्स का सिस्टम। जैसे अपन ने कोप्लेनर फोर्स के तीन क्लासिफाई किए हैं, वैसे ही अपन किसके कर देंगे, नॉन कोप्लेनर फोर्स के कर देंगे। अब देखो, कोलिनियर तो कभी हो ही नहीं सकते, नॉन कोप्लेनर में कोलिनियर तो हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि भाई अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन पे हैं तो वो हमेशा एक ही तल में होंगे, दूसरे तल में तो जा ही नहीं सकते, इसमें कोलिनियर तो हो नहीं सकता। सेकंड जो आता है अपना, वो कौन सा हो गया, कॉन्करेंट फोर्स। कौन सा हो गया इसकी क्लासिफिकेशन, कॉन्करेंट फोर्स। तो कॉन्करेंट हो सकते हैं अलग अलग तल में, लेकिन फिर भी एक ही कौन से गुजर रहे होते हैं। देखो फिर से अपन वो डब्बा बनाते हैं, 3D डायग्राम वाला, ये बन गया डब्बा, ठीक है। अब देखो मान लो यहां पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, अब एक फोर्स तो ये है F1, इस पॉइंट से गुजर रहा है, एक इस प्लेन से गुजर रहा है देखो F2, और एक इस प्लेन से गुजर रहा है F2, तीनों अलग अलग प्लेन में है, फिर भी तीनों एक पॉइंट से ही गुजर रहे हैं। बात समझ में आ रही, मान लो एक ये है फोर्स, एक अपना ये फोर्स है, तीनों दोनों अलग प्लेन में, एक अपना ये फोर्स है। बात समझे, तीनों तीनों अलग प्लेन में, क्योंकि एक कौन से गुजर गए। अरे भाई और कुछ समझ में ना आए तो अपने जो रूम जिसमें बैठे हो तुम, उसका एक कोना देखो, उस कोने में तीन लाइनें बननी होंगी, तीन लाइनें बननी होंगी इस तरह से, एक ये लाइन ऊपर जाने वाली, एक साइड में, तीनों तीनों क्या होंगी, अलग प्लेन में होंगी, फिर भी एक कोण पे मिल रहे हैं, तो इनको अपन क्या कह देंगे, कौन करंट नॉन कोप्लेनर फोर्स। कौन करंट तो है लेकिन एक प्लेन में नहीं है, समझ गए ना, सिंपल है। देखो फिर आता है अपना कौन करंट हो गया, दूसरा होता है नॉन पैरेलल नॉन कौन करंट, मतलब
नॉन कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक ही बिंदु से नहीं गुजर रहे लेकिन पैरेलल भी नहीं है, ठीक है, और साथ साथ एक प्लेन में भी नहीं है। हो सकता है देखो एक ये फोर्स जा रहे और एक ये फोर्स जा रहे, ठीक है, दोनों किसी पॉइंट पे क्रॉस करेंगे क्या, कट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, मतलब एक पॉइंट से ये नहीं गुजर रहे। साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है क्या, नहीं है, पैरेलल नहीं है, समांतर समय नहीं है। साथ ही साथ दोनों दोनों क्या अलग तल में, ये अलग तल में, इस तल में और इस प्लेन का ये तल है, समझ में आ रही बात। इस तरह से क्या हो जाते हैं नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्स, समझ गए बात को, ये होता है सिंपल। तो ये तो हो गया अपना फोर्स का सिस्टम। कई बार इनसे छोटे मोटे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बाकी ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है आगे जो भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे उनमें, क्लियर है ना। तो ये हो गया फोर्स का सिस्टम। तो देखो ये तो अपना फोर्स का सिस्टम हुआ। अब देखो एक छोटी सी डेफिनेशन और बता देना चाहता हूं मैं तुम्हें जो इम्पोर्टेंट है अपने आगे टॉपिक्स के लिए। हाँ, एक होता है रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, अगर मान लो कोई दो फोर्स लग रहे हैं किसी एक बॉडी पे, ये मान लो कोई बॉडी है तो उन्होंने लिख भी दिया है बॉडी, इस बॉडी पे कोई दो फोर्स लग रहे हैं, ये एफ में लग रहे हैं, ठीक है, ये एफ में लग रहे हैं, इनकी डायरेक्शंस है कुछ न कुछ मैग्नेट, ठीक है। तो अगर अपन इन दोनों फोर्सेज को किसी एक ऐसे फोर्स से रिप्लेस कर दें, इन दोनों फोर्सेज को किसी ऐसे फोर्स से स्थानांतरित कर दें जो इन दोनों के समान इफेक्ट को दिखाता है, समझो चीज को, अगर मान लो इन दोनों फोर्सेस को किसी एक ऐसे फोर्स से रिप्लेस कर दें अपन जो इफेक्ट जो देगा, इफेक्ट फोर्स का इफेक्ट वो इन फोर्सेस के इफेक्ट के समान होगा। मान लो इन फोर्सेस की वजह से ये इधर मूव कर रही है, तो इधर ही साइड में अगर अपन कोई ऐसा फोर्स लगा दें जिससे दोनों के समान इफेक्ट पैदा हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, रिजल्टेंट। क्या कहेंगे, रिजल्टेंट। देखो अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो और सिंपली कर देता हूँ, सिंपलीफाई कर देता हूँ। ये मान लो कोई बैल गाड़ी है अपने, इसको मान लो दो बैल खींच रहे हैं, ये एक बैल और ये दो बैल, जैसे लग नहीं रहे इमेजिनरी, दो बैल खींच रहे, ठीक है, दो बैल खींच रहे, तो इन बैलों की वजह से कुछ डिस्टेंस पर जाएगी, मान लो इतनी डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पर, ठीक है। अब इन दोनों बैलों की जगह इस बैल गाड़ी के आगे कोई मोटर गाड़ी जोड़ देते हैं अपन, मोटर गाड़ी, ठीक है, और ये मोटर गाड़ी इन बैलों के बराबर ही डिस्टेंस तक खींच रही, बैल भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे अपन और एफ टू, दो बैल है, और मोटर गाड़ी भी कुछ फोर्स लगाएगी एफ, ठीक है। तो इफेक्ट जो हो रहा है मोटर की वजह से वो इस बैलों की वजह से वो क्या है, सेम, मतलब दोनों की वजह से एक्स डिस्टेंस में ही डिस्प्लेस हो रहा है ये बैल गाड़ी, और सेम डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन भी सेम है लेकिन जो है डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब फोर्स के इफेक्ट क्या है, दोनों फोर्सेस के इफेक्ट क्या है, सेम, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इन बैलों को किसे मोटर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से इन दोनों बैलों के फोर्सेस को अपन मोटर के फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, और इसको अपन क्या कहेंगे, रिजल्टेंट, क्या कहेंगे, परिणामी, क्या कहेंगे, रिजल्टेंट परिणामी, समझ में आ गया। ये होता है अपने रिजल्टेंट परिणामी बल, परिणामी फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, कंफ्यूज मत होना, वो होता है परिमाण, परिमाण, और ये है परिणाम, परिणामी बल, और ये होता है परिमाण, जो होता है ना परिमाण, मैग्नीट्यूड, समझ गए ना, दोनों में डिफरेंस करना सीख, समझ गए रिजल्टेंट। आगे मैं रिजल्टेंट बार बार ये वर्ड यूज में लेऊंगा, ध्यान रखना इस चीज, क्लियर। चलो तो देखो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, ये तुम्हारा कोई बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इस मैकेनिक्स का, बेसिक पहले चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। आगे अपन क्या करेंगे, इसमें कोई न्यूमेरिकल पार्ट अभी तक आया नहीं है, जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें अपन फॉर्मूलाज देखेंगे और न्यूमेरिकल भी देखेंगे, उसको सोल्व भी करेंगे, क्लियर ना। तो वीडियो अगर तुम्हें पसंद आता है तो देखते रहो, आगे भी चैप्टर्स तुम्हारे आते रहेंगे, पूरा मैकेनिक्स अपन कवर करेंगे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ पैसे तो लगे नहीं थे तुम्हारे, ठीक है, बाकी पढ़ते रहो, एग्जाम आरआरबी जेई का और एसजेई दोनों का एग्जाम आ रहा है, तो मन लगा के पढ़ाई करो, इस बार 2019 में गवर्नमेंट जॉब लगना ही लगना है, क्लियर है। चलो थैंक यू।